तारीख 15 जुलाई 2015, वक्त सुबह के 9:30 बजे, जगह दिल्ली का सुखबीर नगर इलाका। दिल्ली पुलिस ने जैसे ही 24 साल के रविंदर को एक 6 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के आरोप में दिल्ली के सुखबीर नगर इलाके से गिरफ्तार किया तो पूछताछ के दौरान उसके सामने एक दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ, जिसे सुनने के बाद उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि जिसे वो अभी तक महज एक रेपिस्ट समझ रही थी, दरअसल वो एक ऐसा दरिंदा निकला जो पहले तो बच्चों को बहला फुसला कर उनका अपहरण करता था और फिर उनके साथ रेप और दुष्कर्म किया करता था। यानी रविंद्र एक सीरियल रेपिस्ट और किलर था। दारू पी के करता था उनके साथ, मार के उनको। कैसे करते थे, किन बच्चों को पकड़ते थे तुम? जी जो छोटे बच्चे होते थे वो। कैसे, क्या तुम्हारे दिमाग में क्या रहता था उस वक्त? उस वक्त दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता था एकदम, और मैं उनके साथ गलत काम करता था। कमाल देखिए, बेगमपुर थाने की पुलिस ने 1 साल पहले ही रविंद्र को एक 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या का प्रयास करने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे 1 साल के अंदर ही जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर भी आ गया। लेकिन जिस तरह से रविंद्र बिना झिझक के अपने गुनाह कबूल कर रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि वो एक सीरियल रेपिस्ट और किलर होने के साथ साथ एक साइकोपैथ भी है, क्योंकि हमारे संवाददाता से बात करते हुए उसकी आवाज में किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं थी और उसने खुद कैमरे पर अपने गुनाह कबूल करते हुए ये माना कि बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हुए उसे कुछ हो जाता था और वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। नहीं, कुछ दिमाग में सर कुछ कमी सी और कुछ दारू पी लेता तो और कमी सी बढ़ जाती थी, इसीलिए ऐसा ख्याल आता। बकौल रविंद्र, उसने इन सभी वारदातों को शराब के नशे में अंजाम दिया है, लेकिन जिस तरीके से उसने सभी वारदातों को अंजाम दिया है, उसे देखकर लगता है कि उसे कानून का कोई खौफ नहीं था और जब उसके सर पर जुनून सवार होता, उस दिन वो एक नई वारदात को अंजाम देता था। उसके बाद कानून के शिकंजे से बचने के लिए अपने गुनाह के निशान मिटाने की गरज से उन मासूमों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता था। फिलहाल ये शातिर साइकोपैथ कानून की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो उन्हें ये लगता है कि रविंद्र अभी भी खुद को बचाने के लिए उनसे झूठ बोल रहा है।